हेलो दोस्तों, अक्सर यह पाया गया है कि विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनेक वर्षों तक करते रहने के बाद भी अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन में भयंकर गलतियां करते रहते हैं। गहन विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि इसका कारण छात्रों का वर्णों के उच्चारण का अधूरा अथवा अशुद्ध ज्ञान है। पढ़ने में अशुद्धियाँ करने वाले व्यक्तियों को अर्धशिक्षित व्यक्ति माना जाता है, अतः भाषा के अध्ययन में पढ़ना सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा के अक्षरों या वर्णों के उच्चारण के विशेष नियमों का अच्छे से ज्ञान कराया जाना चाहिए, जिससे वह पढ़ने में अशुद्धियाँ ना करे। इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं। इनमें ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हें स्वर या वोवल्स कहते हैं, तथा शेष बाकी जो बचे हुए हमारे अल्फाबेट हैं उन्हें कंसोनेंट या व्यंजन कहते हैं। वोवल और कंसोनेंट होता है, जबकि शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर उनका उच्चारण अलग हो जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला की एक मौलिक विशेषता यह है कि इसके वर्णों या अक्षरों का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है या किया जा सकता है कि इसमें छपने और हाथ से लिखे जाने वाले अक्षरों के प्रकार में भी भिन्नता होती है। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए और उसके बाद के वर्ड जो है स्मॉल लेटर या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। छापने में और हाथ से लिखने में अक्षरों के आकार, उच्चारण और आवाज़ में बदलाव आ जाता है, और बच्चों को अगर हम इनके साउंड समझा दें तो बच्चों को इसमें पढ़ने में बहुत ही आसानी हो सकती है। बच्चे जो है पहले इन अल्फाबेट्स के जो साउंड है उन्हें याद कर ले और उन साउंड से जो है अपने शब्दों को कंप्लीट करे, तो वो बच्चा जो है आसानी से अंग्रेजी भाषा के ऊपर अच्छे से पकड़ बना सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट ए से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट ए जो है ए आ और ए की आवाज़ निकालता है। ज़्यादातर जैसे हम एप्पल पढ़ेंगे तो ए की आवाज़ निकालेगा, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए एन टी एंड। बी जो है बा, हिंदी के जो बा है उसकी आवाज़ निकालेगा, तो उसका जो है शब्द बनेगा बी ए टी बैट, बी ए डबल एल बॉल, तो बी जो है बा की आवाज़ निकालता है। सी का और सा की आवाज़ निकालता है। सी सी के एकदम तुरंत बाद आई आए तो ये सा पढ़ा जाएगा, सी आई आर सर, सी यू एस कस सर्कस। सी के एकदम तुरंत बाद यदि आई आता है तो उसे हम सा पढ़ेंगे, इसलिए सी आई आर सी यू एस सर्कस पढ़ा जाता है। बच्चों को आप पहले क्या ही बताएंगे जिससे बच्चे जो हैं परेशान ना हो कि ये कहाँ पे क्या आवाज़ निकाल रहा है। सी वाले अक्षर से हम सी ए टी कैट और सी ए आर कार ही पढ़ाएंगे। डी डा और दा की आवाज़ निकालता है, डी ओ जी डॉग, डी ओ एन के ई वाई डंकी। हम ये अक्षर के बारे में बाद में बताएंगे, नहीं तो बच्चे जो है इसमें जो है परेशान हो जाएंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ पे क्या आवाज़ दे रहा है। इसलिए हम पहले एक एक हिंदी के एक एक अक्षर की जानकारी देंगे जिससे बच्चा जो है आसानी से पढ़ सके। डी फॉर डॉग, डी किसकी आवाज़ निकालता है, डा की आवाज़ निकालता है। ई ई क्या आवाज़ निकालता है, ई डबल जी एग, ई एल ई एली पी एच ए एन टी एलिफेंट। एफ जो है फा की आवाज़ निकालता है, एफ आई एस एच फिश, एफ ए एन फैन। जी गा की और जा की आवाज़ निकालता है, जी आई आर एल गर्ल, जी ओ ए टी गोट। एच जो है हा की आवाज़ निकालता है, एच ई एन हैन, एच ओ आर एस ई हॉर्स। आई आई ई की और आई की आवाज़ निकालता है, आई फोर इग्लू, आई जी एल डब्लू ओ इग्लू, आई सी ई आई सी आर ई ए एम आइसक्रीम। जे जा की आवाज़ निकालता है, जे फोर जग, जे यू जी जग, जे ओ के ई आर जोकर। के का की आवाज़ निकालता है, के आई टी ई काइट।
KING किंग। एल जो है ला की आवाज़ निकालता है, LOTUS लोटस, LION लायन। एम माँ की आवाज़ निकालता है, MAN मैन, GO मैंगो, MONKEY मंकी। एन जो है ना की आवाज़ निकालता है, NET नेट, NEST नेस्ट। ओ की आवाज़ निकालता है, OWL आउल, ORANGE ओरेंज। पी पा की आवाज़ निकालता है, PEN पैन, PARROT पैरट। क्यू की आवाज़ निकालता है, QUEEN क्वीन। आर रा की आवाज़ निकालता है, RAT रैट, ROSE रोज। एस सा की आवाज़ निकालता है, SUN सन, STAR स्टार। टी टा की आवाज़ निकालता है, TOMATO टोमेटो, TREE ट्री। यू आ की आवाज़ निकालता है, UMBRELLA अम्ब्रेला। वी वा की आवाज़ निकालता है, VAN वैन। डब्ल्यू वा की आवाज़ निकालता है, WAL वोल, WATCH वोच। एक्स कैस है की आवाज़ निकालता है, एक्स ऐसे बढ़ जाए, एक्स एक्स रे, जाइलो फोन। वाई वै और जय की आवाज़ निकालता है, वाई फोर याच। जेड जहा की आवाज़ निकालता है, जेड फोर जू, जेड फोर जेब्रा। आप बच्चों को जो है पांच पांच अल्फाबेट याद करें, जिससे बच्चे जो है अपने अक्षरों को आसानी से, या पांच पांच अक्षरों की बच्चों को जो है प्रैक्टिस कराएं। और बच्चों को आप अंग्रेजी की जो तीन बॉक्स वाली जो आपकी कॉपी होती है वो वाली कॉपी लेके दें, और बच्चों को कहें कि ऊपर की दो बॉक्स में बिल्कुल मिला के लिखें, उससे आपके बच्चों की राइटिंग भी साफ हो जाएगी। कैपिटल लेटर जो है ऊपर के दो बॉक्स में मिला के लिखे जाते हैं। आप अगर बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस कराओगे तो बच्चों की बहुत जल्दी से राइटिंग साफ हो जाएगी। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइए, और आगे में हम और अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे जिसमें हम वर्डों को मिलाकर 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड वाली वीडियो भी हमने बना रखी है, उन्हें देख के आप बच्चों को आप अंग्रेजी का ज्ञान करा सकते हैं। थैंक यू।